हाय गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अंकित एडवाइस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे बेस्ट प्राइस नोवा ट्रिमर का अनबॉक्सिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा नोवा ट्रिमर का बॉक्स पैक जिसका हम करेंगे अनबॉक्सिंग। ये नोवा ट्रिमर का बॉक्स पैक है और इसके ऊपर कुछ हमें मिल रहा है गाइडलाइंस, तो इसको हम देखते हैं। देखिए, इनपुट 220 वोल्ट हमें बोल रहा है और आउटपुट 3 वाट देगा। ये जो इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी लगा हुआ है, ये 3 वाट उसको आउटपुट देगा। एडजस्टेबल कटिंग सेटिंग आपको मिल रहा है और उसके बाद स्टेनलेस स्टील का ब्लेड्स आपको इसके अंदर मिल रहा है, स्टील का ब्लेड्स। तो ये गाइडलाइंस थे हमारे कुछ ये बॉक्स के ऊपर। और ये ऊपर साइड हमें नोवा का मार्क मिल रहा है। और हम बात करते हैं इसकी साइड की, तो साइड में देखिए ये मैनेजेबल डिजाइन, रिचार्जेबल 6 आवर चार्जिंग टाइम, मतलब आपको 6 आवर इसे चार्ज करना है। और चार्जिंग इंडिकेट लाइट आपको मिल रहा है, जब आप इसे चार्ज में लगाइएगा तो इंडिकेट लाइट जलेगा। तो ये हमारे साइड में थे। और इस साइड हम देखते हैं तो ये साइड भी देखिए हमें सेम ही मिल रहा है। तो अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। तो इसको हम अनबॉक्स कर दिए हैं और इसके ऊपर सबसे पहले हमें एक मैनुअल मिल रहा है। तो इसको हम साइड करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ये एक कनेक्टर मिल रहा है, चार्जिंग कनेक्टर, जिससे हम ट्रिमर को चार्ज करेंगे। तो ये चार्जिंग कनेक्टर था। और उसके बाद हम ट्रिमर को निकालते हैं और देखते हैं इसके डिजाइनिंग को। ऑन ऑफ स्विच है, देखिए ये ब्लेड्स हैं हमारे, और ये ऑन ऑफ स्विच। इसको हम ऑन करके देखते हैं, तो इसको हम ऑन करते हैं, देखते हैं ये कैसे चालू होता है। क्या बात है, बहुत अच्छे ये चालू। देखिए आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, इसे ऑफ करते हैं हम और देखते हैं इसके अब दूसरे साइड हम। तो ये इंडिकेट लाइट था हमारा और ये चार्जिंग पॉइंट जहाँ से हम इसे चार्ज करेंगे कनेक्टर के मदद से। और ये डिजाइनिंग देखिए आप, इसकी काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग है। और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, आप इसे परचेस करने के बाद बिल्कुल भी नहीं पछताएंगे। ये बहुत अच्छा बैकअप देगा और काफ़ी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। तो इसे हम चार्ज में लगाते हैं, देखते हैं कैसे ये इंडिकेट करता है और ये चार्जिंग कैसे होता है। तो हम इसे चार्ज में लगाते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर जो हमें दिया गया है चार्जिंग पॉइंट, तो इसमें हमें लगाना है ये कनेक्टर जो इसके साथ हमें मिला है। तो हम ये कनेक्टर लगा लिए और उसके बाद हमें 230 वोल्ट इस कोड की मदद से हमें ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं इसमें हम देंगे 220 वोल्ट। और उसके बाद स्विच को हम ऑन करेंगे। तो ये देखिए हमारा इंडिकेटर ट्रिमर का जल गया है, इसे आप 6 आवर ही चार्ज कीजिएगा, इसमें बता दिया है। तो ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप इसे परचेस कर सकते हैं, कोई इसमें ट्रबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।